नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शाबुद्दीन के निधन के बाद लगातार उनके समर्थक जेल प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही राजद के द्वारा कोई मदद नहीं की गई, इस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद की बॉडी को लाने के लिए समर्थक उनके पुत्र उसामा साहब अकेले संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कोर्ट और दिल्ली पुलिस के द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देकर इसकी अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद प्रशासन और उनके समर्थक में तीखी बहस भी हुई। तिहाड़ जेल में कोरोना संक्रमित होने का हवाला देकर डीडीयू अस्पताल में पूर्व सांसद को भर्ती किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उसामा साहब डीडीयू से पिता के बॉडी को सिवान लाने के लिए अकेले संघर्ष कर रहे थे। मोहम्मद शाबुद्दीन राजद के कद्दावर नेता थे, इसके बावजूद तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ साथ राजद के कई बड़े नेता पूर्व सांसद के निधन पर चुप्पी साधे रहे। किसी ने उसामा साहब की मदद नहीं की, लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही विधायक अमानतुल्ला खान और शायर इमरान प्रताप गढ़ी के साथ हजारों समर्थक डीडीयू अस्पताल पहुंचे, लेकिन राजद का कोई बड़ा नेता उसामा साहब की मदद करने के लिए नहीं गया, जिसके बाद उनके समर्थक नाराज होकर राजद से दूरी बनाने का ऐलान कर रहे हैं और लगातार राजद के कई बड़े नेताओं का इस्तीफा देने का सिलसिला भी जारी हो गया है। अब हम आपको बता दें कि हिना साहिब ने मोहम्मद शाबुद्दीन के फेसबुक पर एक पोस्ट कर लिखा है कि शुक्रिया इमरान प्रताप गढ़ी साहब, शुक्रिया अमानतुल्ला साहब इस दुख की घड़ी में उसामा साहब का साथ देने के लिए, साथ खड़े होने के लिए। उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो दिल्ली में बाबू के साथ खड़े हुए। सिवान इस बात को हमेशा याद रखेगा। आपको बता दें कि इस पोस्ट में राजद के कई बड़े नेता या तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिखा है। इससे साफ जाहिर होता है कि राजद के द्वारा पूर्व सांसद के निधन के बाद किसी भी तरह की उनके परिवार को मदद नहीं की गई है और लगातार इसको लेकर उनके समर्थक सोशल मीडिया पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं और राजद से दूरी बनाने का ऐलान कर रहे हैं। फिलहाल पूर्व सांसद मोहम्मद शाबुद्दीन के परिवार आज दिल्ली से सिवान के प्रताप गांव आ रहे हैं और अब आगे क्या कुछ होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो मोहम्मद शाबुद्दीन के फेसबुक पर हिना साहब ने लिखा, उससे साफ जाहिर होता है कि राजद के द्वारा पूर्व सांसद के परिवार की कोई मदद नहीं की जा रही है और ना ही इस पोस्ट में किसी राजद नेता का नाम लिखा है। एक बार फिर हम आपको उस फेसबुक पोस्ट को पढ़कर बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुक्रिया इमरान प्रताप गढ़ी साहब, शुक्रिया अमानतुल्ला साहब इस दुख की घड़ी में उसामा साहब का साथ देने के लिए, साथ खड़े होने के लिए। उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो दिल्ली में बाबू के साथ खड़े हुए। सिवान इस बात को हमेशा याद रखेगा। खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।